अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम सॉल्व एग्जांपल्स इसी टॉपिक से रिलेटेड जो हम प्रीवियस चैप्टर्स में ये प्रीवियस टॉपिक्स में हम रीड कर चुके हैं, उनसे रिलेटेड कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं वो हम देखते हैं। एग्जांपल है 12.3 वर के साथ देखेंगे गिवन डाटा। अ रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम एयर इनटू ग्लास, एयर से ग्लास में आ रही है, इट मींस लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री। लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर इन टू ग्लास एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.52। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52, यूनिट क्यों नहीं लिखा यहां पर, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में दोनों जो चीजें हैं उन दोनों में सिमिलर क्वांटिटीज हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, दोनों स्पीड ऑफ लाइट है मीटर पर सेकेंड, तो कैंसल हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट। देन फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर कैलकुलेट करना है हमने, तो क्या लगेगा, स्नेल्स लॉ, साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू एन, ये फार्मूला यहां पर लगेगा। तो हमने साइन आर अकॉर्डिंग टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इधर आ जाएगा, एन नीचे चला जाएगा। अब साइन आर इज इक्वल टू, ये साइन इधर आके इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन 30 डिवाइडेड बाय 1.52, साइन 30 की वैल्यू डिवाइड करें 1.52 पे 0.33 आ जाएगा हमारे पास, साइन इनवर्स 0.33। तो इसका साइन इनवर्स कैलकुलेट करें, आर इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.33। तो हमें पता है साइन इनवर्स हम कैसे लेते हैं कैलकुलेटर के ऊपर, सबसे पहले शिफ्ट फिर उसके बाद साइन, तो ये साइन इनवर्स उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन है हमारे पास आ जाएगा 19.3 डिग्री। हेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 19.3 डिग्री हमारे पास होगा ये। अब इसी तरह से एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल 12.4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर, वाटर के लिए क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करेंगे आप, सी इन विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उसने बता दिया कितना 90 डिग्री है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। अब यहां से लाइट, व्हेन लाइट इज एंटर्स इन एयर फ्रॉम वाटर, वाटर से एयर में आ रही है, इट मीन्स लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, उसके लिए स्नेल्स लॉ उल्ट हो जाएगा, जो आप लोगों ने यहां पर लिखा है स्नेल्स लॉ, साइन आई ओवर साइन आर है, वहां पर होगा साइन आर ओवर साइन आई। ये एक एग्जांपल है जो कि आपको अपने जहन में रखनी पड़ेगी बात, लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, देन स्नेल्स लॉ इज साइन आर ओवर साइन आई इज इक्वल टू एन। अब साइन आर, आर 90 है, साइन आई एन 1.33, ये उधर ले जाए अकॉर्डिंग टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1.33 नीचे आ जाएगा, साइन 90 होता है 1 डिवाइडेड बाय 1.33 इज इक्वल टू साइन आई, साइन दूसरी साइड पे ले जाए, साइन इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 1.33, आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.752। अब इसका हमने साइन इनवर्स लेना है, तो इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रहा है वो आ रहा है 48.8 डिग्री, तो ये इसका क्रिटिकल एंगल है, क्योंकि इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स 90, ये हमने उसमें पढ़ा था मिरर्स के लिए, देन अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर जो है वो 90 से जैसे ही ग्रेटर होता है तो टोटल लाइट रिफ्रैक्ट हो जाती है, वो उसका क्रिटिकल एंगल था। तो वाटर का जो उसमें जो क्रिटिकल एंगल है हमारे पास वो 48.8 डिग्री होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये क्रिटिकल एंगल होगा 48.8 डिग्री हमारे पास। तो ये दो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, अपने जहन में आप लोग रखेंगे अच्छे तरीके से करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है 12.5 एग्जांपल है, उसको देखते हैं हम। अ पर्सन 1.7 मीटर टॉल स्टैंडिंग 2.5 मीटर इन फ्रंट ऑफ ए कैमरा, इन फ्रंट ऑफ कैमरा इट मींस कैमरे से इन फ्रंट के ऊपर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 2.5 मीटर। कैमरा यूजेस अ कन्वेक्स लेंस हुज फोकल लेंथ इज 0.05 मीटर, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है नेगेटिव,
तो आपको पता है कि कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस है, उसकी फोकल अर्थ पॉजिटिव होती है 0.5 मीटर। तो कैलकुलेट क्या करना है हमने, फाइंड द इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस क्यू कैलकुलेट करें। तो क्या लगेगा हमारे पास, लेंस इक्वेशन जो प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा, 1/f = 1/p + 1/q। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, क्यू कैलकुलेट करना है, तो ये वाली वैल्यू अपनी जगह पे रहेगी, बाकी 1/ जो p है ये दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव हो गई। 1/f - 1/p, 1/q = 1/f, f कितना हमारे पास ये, p कितना हमारे पास 2.5। एलसीएम लेंगे, कैलकुलेट करें, हमारे पास 19.6। अब हमने कैलकुलेट करना है q, तो अकॉर्डिंग टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन q दूसरी साइड पे चले जाएगा, 19.6 नीचे आ जाएगा, इसको डिवाइड करो इसके ऊपर, q = 0.05 मीटर। अब क्योंकि जो इमेज डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है या फोकल लेंथ है वो मीटर में दिए हुए थे, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, मीटर इस्तेमाल करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है 12.6। कनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर कनकेव लेंस। नेगेटिव मैंने क्यों लगाया, बिकॉज कनकेव लेंस कन्वर्जिंग लेंस यूटिलाइज हो रहा है और उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव लेंस नेगेटिव। माइनस हमने अपनी तरफ से लगाया क्योंकि हमें पता है कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, हूज इमेज इज 10 सेंटीमीटर, तो माइनस लगाएंगे क्योंकि कनकेव लेंस जो है वर्चुअल इमेज बनाता है, तो ये माइनस आएगा इसके साथ। और उसकी मैग्निफिकेशन भी कैलकुलेट करनी है हमने, मैग्निफिकेशन के वो इमेज कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, उसका साइज वगैरह। तो हम क्या यूटिलाइज करेंगे इसमें, वही लेंस इक्वेशन यूटिलाइज होगी, 1/f = 1/p + 1/q। हमने कैलकुलेट करना है पी, तो ये अपनी जगह पे रहेगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 1/p = 1/f, -15 माइनस फार्मूले का, और q हमारे पास माइनस में है, माइनस माइनस प्लस, दोनों का एलसीएम लें 30, -2 + 3 आ जाएगा, 1/30। p कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, p एक साइड पे चला जाएगा और जो 30 है वो दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो 30p = 30 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा जो के उस लेंस से इन फ्रंट के ऊपर होगा। अब मैग्निफिकेशन होती है बच्चे m = q/p, इमेज डिस्टेंस ओवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम दी लेंस या फ्रॉम दी मिरर, एक ही बात है, m = q इमेज डिस्टेंस ओवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस हमारे पास है 10। अब बच्चे मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होती है, उसमें नेगेटिव साइन नहीं लेंगे, क्योंकि चाहे ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या हो, इरेक्ट सीधा हो या हमारे पास इन्वर्टेड हो उल्टा हो, तो हमने जस्ट साइज उसका बताना है मैग्निफिकेशन में, तो q हमेशा पॉजिटिव आएगा 10, p हमारे पास है 30, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3। इसका मतलब है जो उसकी इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट से 1/3 टाइम क्या होगी, स्मॉलर होगी उस लेंस के जरिए जो उसकी मैग्निफिकेशन होगी। अब मैग्निफिकेशन का भी यूनिट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि सिमिलर क्वांटिटीज हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो इमेज डिस्टेंस है, चाहे वो सेंटीमीटर में हो चाहे वो मीटर में हो, तो दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, यूनिट उसके हैज नो यूनिट, दैट मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द मैग्निफिकेशन ऑफ ए लेंस हैज नो यूनिट बिकॉज इट इज द रेशियो बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज। तो आज के टॉपिक में हमने सॉल्व एग्जाम्पल्स किए हैं टॉपिक से रिलेटेड, इंशाल्लाह फर्दर फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।